डे कैसे चलता है आपका लॉकडाउन का? अभी क्योंकि मेरे बिल्डिंग का मेरे सोसाइटी जो है बिल्डिंग के इट्स क्वाइट बिग, तो मैं वॉक पे जाती हूँ अब तो जिम वगैरह। जिम तो मेरे बिल्डिंग में भी है, मेरे सोसाइटी में भी है, बट जिम सारे बंद हैं, तो आई गो फॉर वॉक। तो वैसे ही मैनेज करती हूँ, डाइट करके मैनेज मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा शूट शुरू होने वाला है, सो आई कैन नॉट टेक चांसेस। मैं मतलब रैदर माई फोकस शुड बी लूजिंग वेट रैदर देन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो फिल्म है मेरी रेड, इस फिल्म में मेरा 3 डिफरेंट शेड्स है। एक में मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, देन आई एम अ हाउसवाइफ, एंड देन सर देयर इज अनदर कैरेक्टर दैट आई विल बी पोर्ट्रेइंग इन दिस फिल्म, जो मैं अभी नहीं बोल सकती, रिवील नहीं कर सकती, लेकिन देन इट विल बी सरप्राइज फॉर ऑडियंस। तो जो कॉलेज स्टूडेंट का सीन है वो हम शूट करने वाले हैं अभी इन द अपकमिंग स्केड्यूल। तो आई लिटरली हैव टू लुक लीन थिन एज 18 or 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल, बिकॉज कॉलेज में हम 16-17 के ही होते हैं। तो यू नो लाइक आई एम प्लेइंग अ डिकेड यंगर देन व्हाट आई एम एक्चुअली। तो फॉर दैट आई एम वेरी मच ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, सी लाइक आई हैव टू गेट इनटू दैट, हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। तो ये शूटिंग कब से चालू होने वाला है? अभी एक्चुअली वी आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 17 ऑफ दिस मंथ, बट एंड वी आर शूटिंग इट इन भोपाल, लेकिन अभी वहाँ से मना किया शूट करने का, तो इट इज शिफ्टेड मई से शुरू, एंड देन वी विल कंप्लीट द होल थिंग, बिकॉज थोड़ा बिकॉज ऑफ दिस ये इज अ पैंडेमिक, सो मेनी टेंशन, इसके वजह से ना आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो ये स्केड्यूल में हम लोग पूरे लाइक विल कंप्लीट द होल। क्योंकि पैंडेमिक की वजह से थोड़ी सी हमारी इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जितनी फिल्मों की शूटिंग थी एज एन एक्टर कितना मानती है कि इंडस्ट्री को कितना लॉस हुआ। सूर्यवंशी की शूटिंग डेट अनाउंसमेंट हो गई थी, अगेन उसे पोस्टपोन किया गया। राधे अनाउंसमेंट हुई थी अगेन, एंड हलाई भी कंगना रनौत अगेन पोस्टपोन किया गया। सो एज एन एक्टर कितना मानती है कि इंडस्ट्री को कितना लॉस हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंड सिर्फ इंडस्ट्री को तो हो ही रहे हैं मॉनिटरी, एंड एक्टर्स को मेंटली, एंड ऑडियंस को एंटरटेनमेंट, बिकॉज आप कितना भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज कर लो, एक फीचर फिल्म और ओटीटी फिल्म में बहुत फर्क है। लेकिन जब आपको फीचर फिल्म इंस्टेड ऑफ थिएटर आपको ओटीटी में मतलब बिकॉज टू इनकार लॉसेस, तो यू नो लाइक आपको ओटीटी में रिलीज करना पड़ता है, तो उसका फ्लेवर अलग होता है, तो लोग मे बी उसको नहीं ले पा रहे, क्योंकि ओटीटी में दे वॉज डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट और फिल्म के कंटेंट अलग होता है। तो ये एक चीज़ है जो मेंटली भी लोगों को थोड़ा सा हैरस कर रहा है ऑडियंस को। तो फिल्म थिएटर में जब तक ना रिलीज होती है, जब 70 to 80 में लोग फिल्म नहीं देखते, फिल्म का जो मतलब रियल चार्म है वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते। तो दैट इज मीन इट्स एज अ होल एवरीबडी इज एट द लॉस। तो चाहती हूँ मतलब इट्स और क्या मतलब गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज अगर पैंडेमिक बढ़ रहा है तो बंद तो करना ही पड़ेगा। बट आई फील रियली बैड मीन्स कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग एसोसिएटेड हैं, everybody is going through loss, so you know like I don't know how people will survive like that. So bas I can only pray to God and say like jaldi isko khatam kar do kaise bhi karke, let us get over this corona and let's live a normal life what we used to live before 2020. aapki agar main film ki agar main